एक बार की बात है, किसी गांव के मंदिर में देव शर्मा नाम का एक प्रतिष्ठित साधु रहता था। गांव में सभी लोग उनका सम्मान करते थे। उसे अपने भक्तों से दान में तरह तरह के वस्त्र, उपहार, खाद्य सामग्री और पैसे मिलते थे। उन वस्त्रों को बेचकर साधु ने काफी धन जमा कर लिया था। साधु कभी किसी पर विश्वास नहीं करता था और हमेशा अपने धन की सुरक्षा के लिए चिंतित रहता था। वो अपने धन को एक पोटली में रखता था और उसे हमेशा अपने साथ लेकर ही चलता था। उसी गांव में एक ठग रहता था। बहुत दिनों से उसकी नजर साधु के धन पर थी। ठग हमेशा साधु का पीछा किया करता था, लेकिन साधु उस गठरी को कभी अपने से अलग नहीं होने देता। आखिरकार उस ठग ने एक छात्र का वेश धारण किया और उस साधु के पास गया। उसने साधु से मिन्नत की कि वो उसे अपना शिष्य बना ले, क्योंकि वो ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। साधु तैयार हो गया और इस तरह से वो ठग साधु के साथ ही मंदिर में रहने लगा। ठग मंदिर की साफ सफाई से लेकर अन्य सभी कार्य भी करता था और ठग ने साधु की खूब सेवा की और जल्दी ही उसका विश्वास पात्र बन गया। एक दिन साधु को पास के गांव में एक अनुष्ठान के लिए आमंत्रित किया गया। साधु ने वो आमंत्रण स्वीकार किया और निश्चित दिन साधु अपने शिष्य के साथ अनुष्ठान में भाग लेने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में एक नदी पड़ी और साधु ने स्नान करने की इच्छा व्यक्त की। उसने पैसों की गठरी को एक कंबल के भीतर रखा और उसे नदी के किनारे रख दिया। उसने ठग से सामान की रखवाली करने को कहा और खुद नहाने चला गया। ठग को तो कब से इसी पल का इंतजार था। जैसे ही साधु नदी में डुबकी लगाने गया, वो रुपयों की गठरी लेकर चंपत हो गया। शिक्षा: किसी अजनबी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर ही उस पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए।